शिवपुरी में फिल्म निर्माण को लेकर अपार संभावना है। इन संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए शिवपुरी में अब द रियल पार्टनर मूवी का निर्माण होने जा रहा है। निश्चित रूप से ये शिवपुरी को एक नई पहचान देगी। फिल्मी दुनिया से जुड़े कलाकारों को एक नया मंच लेकर आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। आगामी समय में मूवी का निर्माण होना है, इसलिए कलाकारों ने भी अपने इंटरव्यू दिए हैं। साथ ही हमने कई लोकेशन भी तलाशी है। यह कहना है प्रख्यात फिल्मी निर्माता निर्देशक शशिकांत सक्सेना का, जो स्थानीय होटल ऋषि मैरिज गार्डन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अपने अनुभव प्रेस के समक्ष बांट रहे थे। इस अवसर पर पीहू फिल्म प्रोडक्शन के डायरेक्टर प्रोप्राइटर राजकुमार गुप्ता, बबलू सहित फिल्मों में काम कर चुके शहर के जाने माने पत्रकार विजय चौकसे, फिल्मी दुनिया से जुड़े भूपेंद्र विकल, उम्मेद ओझा आदि सहित फिल्म निर्माण को लेकर इंटरव्यू देने आए। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। हमारे बीच में है मिसेज रिंकी वर्मा जी। ये थोड़ा सा परिचय ये है कि मिसेज इंडिया कंपटीशन में ये रनर अप रही हैं, तो थोड़ा सा मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि क्या कंपटीशन था और किस तरह से आपने अचीव किया। सबसे पहले तो थैंक यू आप सभी का। और मैं नेशनल लेवल के कंपटीशन में गई थी, मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट था, जिसमें मैं टॉप 5 में रही हूँ। देन उसमें देश विदेश के मतलब NRI वीमेंस आई थी सारी, और काफ़ी टफ कंपटीशन था। और मैं सभी उन वीमेन से कहना चाहूँगी जो भी सिर्फ सोचती हैं कि शायद शादी और बच्चों के बाद हमारा फ्यूचर ख़त्म हो गया, इसके बाद अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं बस ये कहना चाहूँगी, अपने सपनों को कभी मत ख़त्म करिएगा। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आप स्टेप बाय स्टेप सोचें, आगे बढ़ें। एक कदम आगे बढ़ेंगे तो दूसरा कदम खुद ब खुद उठ जाएगा। हमारी जानकारी के अनुसार कला के क्षेत्र से भी आप जुड़ी हैं, तो फिल्म और टीवी के लिए आप क्या कुछ काम करना चाहेंगी या इस तरह का क्या सोचती हैं आप? बिल्कुल, अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली मैं सोचूंगी। आप चूंकि शिवपुरी मध्य प्रदेश में आप रहती हैं, तो शिवपुरी के युवा आपसे लड़के लड़कियाँ आशाएँ रखते हैं, तो आप उनके साथ मिलके और उनके लिए क्या आप करना चाहेंगे? मैं सपोर्ट करना चाहूँगी ऐसे लोगों का जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज कई बार फैमिली से वो सपोर्ट नहीं मिलता। कई बार कई ऐसी मेंटेलिटी बन जाती है कि ये साइड लाइन, ये फील्ड ठीक नहीं है हमारे लिए। मैं उन सभी से कहना चाहूँगी कि सिर्फ सोचने का नज़रिया होता है, हर लाइन हर एक फील्ड अच्छा होता है, बस आप अच्छा काम करें और आगे बढ़े उसी राह पे। आप मिसेज इंडिया कॉम्पिटिशन में रनर अप रही हैं, आगे के लिए आप क्या और क्या आप करना चाहेंगी? अभी मुझे इंटरनेशनल के लिए भी ऑफर आया था, देन मैंने उसमें ऑडिशन भी दिया था, मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, बट कोविड के चलते सारी चीज़ें पोस्टपोन हो गई हैं। आगे मैं इंटरनेशनल जाना चाहूँगी। महिलाओं में ये कि ये आप निकल के आगे आई हैं, तो महिलाओं के लिए आप ये क्या संदेश देना चाहेंगे और उनके परिवार वालों के लिए, क्योंकि नैरो माइंडेड अब थोड़ा सा ख़त्म करने का वक्त है? सबसे पहले मेरा मानना है कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने बच्चों को अपनी लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो भी आपके घर का माहौल बदलेंगी। साथ ही साथ जो पत्नियां हैं, जो वाइफ है घर की, माएँ हैं, उनको कभी भी आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, क्योंकि वो लोग भी अपने सपनों को दबा के अपने बच्चों को आगे बढ़ा रही हैं। उनके भी बहुत सारे सपने हैं जिनके बारे में कोई नहीं सोचता, वो भी उनका भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज़ हो जाता है, तो उनको सपोर्ट करें और वो लोग भी अपने सपनों को जिए। तो क्या हुआ अगर शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो क्या हमारी लाइफ ख़त्म हो गई क्या? ऐसा नहीं है, आप चलेंगे ना तो खुद ब खुद रास्ते मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।